दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैले मंकी पॉक्स वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। 14 जुलाई को केरल के कोलम जिले में देश का पहला मंकी पॉक्स केस सामने आया। मरीज हाल में ही UAE से केरल लौटा था। दुनिया में अब तक मंकी पॉक्स के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में इस वायरस के मिलने से टेंशन बढ़ गई। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चेचक, खसरा, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, खुजली और दवाओं से होने वाली एलर्जी मंकी पॉक्स से अलग होती है। साथ ही मंकी पॉक्स के लिप में नॉर्डस में सूजन होती है, जबकि चेचक में ऐसा नहीं होता। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स होने के बाद स्किन फटने के स्टेज 2 से 4 हफ्ते के बीच रह सकता है। पहले ये दाने पानी और फिर मवाद भर जाते हैं और फिर इन पर पपड़ी पड़ जाती है। ये काफी पेनफुल स्टेज होता है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरीजों को आंखों में दर्द या धुंधला दिखाई दे, सांस लेने में तकलीफ हो या कम पेशाब हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए और खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।